इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है बेटा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं। इसे बस आप प्रैक्टिस के तौर पे लें, बाकी क्वेश्चन का सेट बिल्कुल कंप्लीट इससे आपका डिफर होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूप्रिंट को डिस्कस कर लेते हैं। जो ब्लूप्रिंट है ये कवर कर रहा है आपका पार्ट ए से सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आईसीटी बेसिक्स, एंटरप्रेन्योर स्किल, और पार्ट बी से इंट्रोडक्शन टू एआई एंड एआई प्रोजेक्ट साइकिल। यहाँ पे आपका टेबल में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, तो आई होप ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्ट ए से आपके 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एंड पार्ट बी से आपका 1, 2, 3 और 4। इट मींस कि पार्ट बी आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर होंगे, एमसीक्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन पेपर अभी आपको डिस्कस करूंगी वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, बट मे बी ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के टर्म में भी आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो गेट प्रिपेयर फॉर दिस। आइए अब देखते हैं इस कुछ क्वेश्चंस को। एक्चुअली ये सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 5 जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेक्शन वाइज इंस्ट्रक्शंस को रीड कीजिए अच्छे से, और जितना आपसे क्वेश्चंस का आंसर्स रिक्वायर्ड है, मांगा गया है, उतना ही क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट ना करें। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। और क्वेश्चंस आप बिल्कुल सोच समझ कर और क्लियर एंड साफ राइटिंग में लिखने की कोशिश करें, नंबरिंग क्लियर दें तो इम्प्रेशन अच्छा होता है एग्जामिनर पे। एंड नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो यहाँ पे बैरियर्स है, कुछ बैरियर्स दिए गए हैं जैसे लैंग्वेज है, इमोशनल, एनवायरमेंटल एंड कल्चरल है, और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको मैच करना है कि कौन सा बैरियर कौन से एग्जाम्पल के साथ सुटेबल है। तो यहाँ पे आंसर्स को मैंने बोल्ड कर रखा है, आप देखेंगे आंसर्स को मैंने बोल्ड कर रखा है। रुकिए मैं इसे जूम आउट कर देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, देखिए, ठीक है, अब क्वेश्चंस आपको एक साथ विद आंसर दिख जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा और इसे बढ़ा देती हूँ। यहाँ पे तो जो भी आप एमसीक्यूज को रीड आउट करेंगे, इसके बाद जो हमें आंसर मिलता है वो फर्स्ट है लैंग्वेज का, सी के साथ ऑप्शंस क्लियर है। टेकिंग लैंग्वेज टॉकिंग इन हिंदी व्हेन अदर्स नो ओनली तमिल, तो ये क्या है आपका लैंग्वेज बैरियर है। दूसरा क्या है, सेकंड का डी इमोशनल क्या है, पेरेंट इज नॉट टॉकिंग टू हिज चाइल्ड, तो ये क्या है हमारा इमोशनल बैरियर हो गया। तीसरा क्या है एनवायरमेंटल, ट्राइंग टू रीड अ बुक व्हेन समबॉडी एल्स इज वॉचिंग टीवी इन द सेम रूम, तो एनवायरमेंटल हो गया इस टाइप का, ठीक है ना। एंड चौथा है आपका, फोर्थ का भी कल्चरल का है, इन सम कल्चर्स वियरिंग शूज एंड वॉकिंग इन साइड द किचन इज कंसिडर्ड रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। तो ये ऑप्शंस को आप रीड आउट करने के बाद भी क्लियर समझ जाएंगे। अब बाकी आपको ये कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से था 1 नंबर का क्वेश्चन, तो इस तरीके से ये आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड एज अ ड्राइविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू डू समथिंग। ड्राइविंग फोर्स मतलब हम क्या करता है, वो हमें फोर्स करता है, हमें प्रेरित करता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, नीरज हैड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, ही देयर फोर अवॉइड टॉकिंग टू हिज। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आता है, लॉजिकल टाइप में, बिल्कुल स्टोरी बेस्ड होगा, जिसे आपको पढ़ के और समझना होगा, और तब आंसर का नॉर्मल सा होता है, बट आप अगर आपने क्वेश्चन समझा है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसको बिल्कुल कामली क्वेश्चंस को रीड करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ रही हूँ, नीरज हैड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश, ही देयरफॉर अवॉइडेड टॉकिंग टू हिज क्लासमेट्स, ठीक है। He believed that he could learn English by joining English speaking classes and in few days he could speak English fluently. Which of the following quality is he demonstrating? तो self confidence, वो क्या है, first of all वो difficulty face कर रहा था, लेकिन बाद में उसने English spoken class join किया और वो अब clearly बिल्कुल बिना किसी झिझक के, बिना किसी hesitation के अपने classmates के साथ communication कर पा रहा है English में। तो ये क्या था, एक उसका वो self कॉन्फिडेंस था कि उसने ऐसा सोचा कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ इंस्टीट्यूट तो मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मैं फिर इंट्रैक्शन कर पाऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट आर डे पॉजिटिवली। तो यहाँ पे चारों क्वेश्चंस को जब रीड करेंगे आप, तो एक्चुअली मैं अगर चारों क्वेश्चंस को बेटा ऑप्शंस को हर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस को रीड करूँ ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं बिल्कुल आपके को आंसर बोल्ड करके दिखाया हुआ है, इसको ही डिस्कस करूँगी। ठीक है, यहाँ पे है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट आर डे पॉजिटिवली। तो थिंक अबाउट ऑल योर अकम्प्लिशमेंट सो फार एंड फील गुड अबाउट इट, कि जितना भी आपने अचीव किया उसके बारे में सोचिए और खुश होइए कि आपने इतना कुछ गेन किया है। ठीक है, ये हम इस तरीके से हम इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो जरूरी पॉजिटिव थॉट है ये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, ये एक ऑप्शंस डिस्कस कर ही देती हो, थिंक अबाउट द ट्रैफिक ऑन द रोड एंड फील लेस स्ट्रेस, कि ये सोच के परेशान होना कि कितना ट्रैफिक था, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड तो नहीं है। थिंक अबाउट द डिफिकल्ट टेस्ट यू विल फेस ड्यूरिंग द डे, डिफिकल्ट टेस्ट जितनी भी डिफिकल्टीज आई है उनके बारे में सोचना और परेशान होना, तो ये भी पॉजिटिव थॉट नहीं है, पॉजिटिव डे की शुरुआत नहीं होगी। थिंक अबाउट ऑल दैट कैन गो रॉन्ग, या क्या क्या गलत हुआ आपके साथ, तो ये सब सोच के आप इनसे कैसे आप पॉजिटिव स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन डी। देखें किस तरीके से आप ऑप्शंस सॉर्ट आउट मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट आंसर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे 4 का डी आप करेक्ट आंसर है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इन टू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। तो यहाँ पे देखिए जो भी ये मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है, आपको ध्यान होगा ये हमारा आईसीटी बेसिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे बिट होता है, बिट के बाद बाइट होता है। यहाँ पे आपको बेटा कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ में दिख रहा होगा बेटा अलाइनमेंट्स, तो इसे प्लीज इग्नोर दिस। यहाँ पे बिट है, बिट के बाद बाइट होता है, बाइट के बाद क्या होगा आपका किलो बाइट होगा, किलो बाइट के बाद क्या होगा मेगा बाइट, मेगा बाइट के बाद गीगा बाइट, और गीगा बाइट के बाद टेरा बाइट। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर है उसे मैंने क्लियरली लिख दिया है, टाइप्स ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ बिट है, बिट से बड़ा बाइट होता है, बाइट से मिलकर किलो बाइट बनता है, किलो बाइट से मिलकर मेगा बाइट, मेगा बाइट देन गीगा बाइट इज द लार्जर यूनिट, और गीगाबाइट से भी लार्जर यूनिट टेराबाइट होता है, टेराबाइट से भी लार्जर यूनिट पेटाबाइट होता है, और पेटाबाइट से भी एक्साबाइट होता है, एक्साबाइट से जेटाबाइट होता है, और योटाबाइट होता है। तो इस तरीके से ये मेमोरी का हायरार्की है, तो बस आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे, ताकि आपको ध्यान में रहे, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट बिफोर यू कैन सेंड एन ईमेल। तो ये तो ट्रू है भाई, ये क्वेश्चंस को मैं रीड कर रही हूँ तो ये मुझे ट्रू लग रहा है। यू शुड साइन आउट ऑफ योर अकाउंट व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द कंप्यूटर। तो ये भी करेक्ट है, इसमें कहाँ कोई भी गलती नहीं है। एंड यू मस्ट नॉट शेयर योर पासवर्ड विद अदर, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका जो ऑप्शन बी है, यू डू नॉट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू यूज योर जीमेल अकाउंट। तो हमें जीमेल अकाउंट यूज करने के लिए तो नेट कनेक्शन चाहिए ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट इज फॉल्स या नॉट ट्रू, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आता है, तो बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं और ट्रू वाले को कंसिडर करके आंसर करेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से रीड किया कीजिए, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, माफ कीजिएगा मेरा गलत थोड़ा आज खराब है बेटा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, चूंकि काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट करा था कि मैम कुछ सैम्पल क्वेश्चन हम प्लीज डिस्कस कर दीजिए, तो इसके लिए मैं वीडियो बनाया है मैंने। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट 1, एआई इज गेटिंग इंटीग्रेटेड इनटू आवर लाइफ सीमलेसली। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है, ऑफन वी डू नॉट इवन रियलाइज दैट वी आर यूजिंग एआई। ठीक है, कि हम तो इसका क्या है, दोनों स्टेटमेंट को रीड आउट करने के बाद आपका ठीक है कि हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज ऑफन वी डू नॉट इवन रियलाइज दैट वी आर यूजिंग एआई। इतनी सारी एआई मशीन्स हमारे, गूगल फोन है, गूगल असिस्टेंट्स है, ये सारे एआई के एग्जांपल्स है बेटा। तो ये क्या है, हमें पता नहीं चलता, मतलब हम अपने डे टू डे लाइफ में ये, दिस आर द नाउ पार्ट ऑफ आर लाइफ, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये हमारे जीवन दिनचर्या का जीवन शैली
शैली का एक पार्ट है। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शंस मुझे करेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट, ये असर्शंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस कहे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। तो आंसर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आप ऑर्डर को मत देखिएगा कि ऑप्शन सी यहाँ पे है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ऑलवेज उसको सी को ही आंख बंद करके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, हो सकता है सीक्वेंस चेंज करके आए अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो, या नहीं तो नहीं भी आ सकता है, तो आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। एंड IoT इज एब्रिविएटेड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी। फिर से आ गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम में क्या है, यूज नॉलेज स्टोर्ड इन अ नॉलेज बेस बट रिक्वायर्स द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम। दूसरा है चैटबॉट। चैटबॉट क्या है, सिमुलेट हाउ अ ह्यूमन वुड बिहेव एज अ कन्वर्सेशनल पार्टनर, ठीक है, चैटबॉट्स जो होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ही करेक्ट है, इसके साथ जाएगा, चैटबॉट के साथ जाएगा। एंड नाउ 3, डिजिटल असिस्टेंट के साथ जा रहा है आपका, ऑप्शन डी, वर्क्स ऑन वेरियस मोबाइल, डिजिटल असिस्टेंट वर्क्स ऑन वेरियस मोबाइल प्लेटफॉर्म एंड सेल्फ ड्राइविंग कार। जहाँ भी आती है सेल्फ ड्राइविंग की बात आएगी तो ऑटोनोमस व्हीकल हो जाएगा, तो ये अपवर्ड का हो जाएगा आपका सी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शंस को मैच कर सकते हैं। अब दूसरा ट्रिक ये है कि जो भी आपको आता है पहले उसे मैच कर लीजिए, जैसे सेल्फ ड्राइविंग के बारे में आप बिल्कुल डेड सी हो रहे हैं तो आप इसे मैच कर लीजिए, डिजिटल असिस्टेंट के बारे में डेड सी हो थे तो आप इसे मैच कर लीजिए, चैटबॉट्स भी है, कन्वर्सेशनल आ गया यहाँ पे तो चैटबॉट के साथ वो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया, तो जो बच गया वो आपका बचे हुए ऑप्शंस के साथ चला जाएगा। तो ये एक ट्रिक होता है सॉल्व आउट करने का, बाकी आप जैसे कंफर्टेबल हो। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एप्लीकेशन लेट्स यू सर्च व्हाट यू सी, गेट थिंग्स डन फास्टर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू यूजिंग जस्ट योर कैमरा और अ फोटो, विच डोमेन डज दिस ऐप बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो हमें कैसे दिखाता है भाई, यूजिंग योर जस्ट योर कैमरा और ए फोटो, कैमरा या फोटो इट मीन्स कि विजन की बात कर रहा है ये, तो कंप्यूटर विजन हो जाएगा इसका आंसर। डोमेन, डोमेन में हमारा क्या होता है, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड NLP होता है, तो यहाँ पे तीसरा डोमेन होगा ये जो हमारा कंप्यूटर विजन है, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भी डेटा है वो किस फॉर्म में है, कैमरा या फिर फोटो के फॉर्म में है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, अ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव स्टोरीज इन चूज योर ओन एडवेंचर, ये क्या है, CYOA, चूज योर ओन एडवेंचर इज फॉर्मेट इज, तो क्या है, इंकेल राइटर। इंकेल राइटर्स में हम क्या कर सकते हैं कि हम क्रिएटिव स्टोरीज खुद ब खुद खुद से क्रिएट करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सब्स्टिट्यूट मेथड से भी आप क्लियर कर सकते हैं इसे, ठीक है। इस टाइप के चूज योर ओन एडवेंचर के लिए हम कौन से ऐप का यूज करते हैं, तो इंकेल राइटर, ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा बेटा, ये नया टर्म है, बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम ए कॉलम बी स्मार्ट, फिर से आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे स्मार्ट मोबिलिटी है तो स्मार्ट मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। स्मार्ट एनवायरनमेंट तो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबिलिटी, जो भी है भाई एनवायरनमेंट तभी स्मार्ट कहा जाएगा कि जब हम स्मार्टली यूज करेंगे, जब उसको सस्टेन करेंगे और रिसोर्सेज को सस्टेन करेंगे और रिसोर्सेज को बचा के रखेंगे अपने नेक्स्ट जनरेशंस के लिए भी। एंड तीसरा, स्मार्ट पीपल, क्रिएटिविटी होनी चाहिए एंड सोशल कैपिटल वो तभी कहलाते हैं और सोशल कैपिटल के फॉर्म में जाने चाहते हैं स्मार्ट पीपल, जबकि उनमें क्रिएटिविटी होती है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देखो ये लॉजिकली आप इस चीज़ को सोचो, आप टर्म से रिलेट मत करो कि कौन से चैप्टर से आ रहा है, ये यहाँ पे एक्चुअली आपका रीजनल प्लस सब्जेक्टिव दोनों इस स्किल को इन्हांस करने के लिए CBSE ने पार्ट ए इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस थोड़ा क्या है, कॉन्सेप्शनल टाइप का है, तो आपके कॉन्सेप्ट को परसेप्शंस को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने IQ लेवल का यूज करेंगे। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। द डैश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG भी बोलते हैं इसे हम, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फुल फॉर्म क्या है SDG का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वेयर लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क इन द ईयर। तो यहाँ इसके बारे में बता दो बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे जो 2015 में वर्ल्ड समिट हुआ था यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में, यूनाइटेड नेशंस का, जो कि उन्होंने क्या किया था, एक एजेंडा तय किया था कि 2030 में 17 गोल्स हैं पूरे वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड अपनी कंट्रीज में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएंगे सो दैट कि हम एक हैप्पी लाइफ जी सकें। तो इसके लिए क्या है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, याद कीजिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे 2015 में, ये तय किया गया कि 2030 तक इसे एकम्प्लिस कर लिया जाएगा। तो इस SDG गोल में आपको याद क्या करना है, कौन सा सीक्वेंस याद करना है, तो ये 10 मैंने गोल लिख दिया है। कभी कभी क्वेश्चंस थोड़ा ट्विस्ट करके भी आ जाता है कि व्हाट इज द थर्ड गोल ऑफ SDG, तो आपको याद होना चाहिए तभी तो आप लिख पाओगे ना। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग इज द थर्ड गोल ऑफ, क्वालिटी एजुकेशन चौथे नंबर का SDG गोल है, पहला अप टू आपको 5 तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बाकी 6 7 8 भी अगर याद होता है तो सो नाइस ऑफ यू। तो पहला हमारा क्या है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये 5 आपके बिल्कुल टॉप मोस्ट हैं। और इसी सीक्वेंस वाइज, ये नहीं कि आप जंबल्ड कर दीजिएगा जीरो हंगर को पहले, नो पॉवर्टी को नीचे, ऐसे नहीं। जैसे यूनाइटेड नेशंस ने तय किया है ना, जो प्रायोरिटी यूनाइटेड नेशंस ने दिया हुआ है वही प्रायोरिटी आपको भी वैसे ही याद करना है, वैसे ही लिखना है, वैसे ही कंसिडर करना है। ये नहीं कि नो पॉवर्टी को आपने थर्ड नंबर पे बोल दिया तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये नंबर टॉप पे है। नंबर 1 पे फर्स्ट गोल क्या है भाई, कि गरीबी हटाओ। दूसरा क्या है, भूख भू आ, आ, जो भी है भूख मिटाओ, यानी इट मीन्स कि कोई भी आदमी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सभी स्वस्थ और निरोग रहें, क्वालिटी एजुकेशन हो, जेंडर लड़का लड़की मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो ये जेंडर इक्वालिटी हमारा 5 नंबर का गोल है, क्वालिटी एजुकेशन 4th नंबर का गोल है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, 2.37 बिलियन पीपल आर विदाउट फूड और अनेबल टू ईट अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस, विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर वी टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे क्या है कि उनको विदाउट फूड, खाना के बिना क्या कर रहे हैं बेटा, उनके पास भोजन नहीं है, ठीक है ना, ईट हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं खा पा रहे वो रेगुलर बेसिस में, तो ये क्या है, तो ये कौन सा है, जीरो हंगल में इस गोल को अचीव करने के लिए रखा गया है कि जीरो हंगर का एम यही है कि सबको खाना मिले और हेल्दी डाइट मिले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, द ड्रोन टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स स्पॉट इंट्रूजन क्रॉप डिजीज, प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सेव्स टाइम एंड अवॉइड्स द डिफिकल्टीज ऑफ फिजिकल मैनुअल इंस्पेक्शन। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, स्टेटमेंट 1 तो सभी तरीके से सही लग रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि द स्टेटमेंट गिवेन अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो क्या आपको लगता है कि स्टेटमेंट 1 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? नहीं, मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शंस को रीड करें तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये तो बिल्कुल नहीं है भैया, ये सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, चूंकि एक ना एक को इनकरेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 द ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है, हेल्प्स फार्मर, तो ये तो सही है भाई कि क्रॉप डिजीज का जो भी है ये हमें हेल्पफुल हो रहा है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी, बट NLP का है ये एग्जांपल, ये सत्य नहीं है, ये सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसी हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन डी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट।
ओके एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन यू सर्च फॉर डॉक्टर ऑन ए सर्च वेबसाइट, द रिजल्ट्स फॉर डॉक्टर इमेजेस माइट मोस्टली कम अप एज मेल, वेयर एज फॉर नर्स मोस्ट रिजल्ट्स वुड बी फीमेल, व्हाट डज दिस प्रेडिक्ट? तो ये क्या है, जेंडर बाइस? क्यों भाई कि फीमेल डॉक्टर्स नहीं होते? होते हैं ना, तो ये जेंडर बाइस का एग्जाम्पल है. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, एक मिनट बेटा मेरा चार्जर लगा लूँ जरा. क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग ए विद कॉलम बी. कॉलम ए क्या गिवन है? प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, ये सारे एआई प्रोजेक्ट साइकिल के फेजेस हैं. एंड कॉलम बी उसका डिस्क्रिप्शन है. तो आपको दिखाना है कि ये जो प्रोजेक्ट साइकिल के फेजेज हैं वो किस डिस्क्रिप्शन के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है. तो अगर आप बिल्कुल माइनटली इसे पढ़ोगे तो आप पाओगे कि प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम क्या करते हैं कि फाइनलाइज करते हैं एम का, एम को और गोल को डिसाइड करते हैं. तो इसका क्या होगा आपका, फाइनलाइज द एम ऑफ द एआई प्रोजेक्ट. किस कौन से फेज में हम करते हैं फाइनलाइजिंग द एम ऑफ द एआई प्रोजेक्ट? हम करते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग फेज में. एंड नाउ डेटा एक्विजिशन में होता है कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, डेटा को हम एक्वायर करते हैं रिलायबल सोर्सेज से. डेटा एक्सप्लोरेशन में इंटरप्रेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द डेटा, हम डेटा को क्या कर हम डेटा से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं. एंड नाउ मॉडलिंग में क्या, मॉडलिंग से क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट अ सुटेबल मॉडल दैट मैचेस द रिक्वायरमेंट. तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 4W ऑफ द 4W प्रॉब्लम कैनवास आर हु व्हाट वेयर एंड व्हाई. ठीक है ना, एक मिनट बेटा मैं देख लूँ जरा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? यस हो रहा है. एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, असर्शंस एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं ये. वेयर ब्लॉक हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, बिल्कुल ट्रू है. स्टेटमेंट टू, व्हाट ब्लॉक हेल्प्स यू टू डिटरमाइन एंड यू नीड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. जब स्टेटमेंट को रीड आउट करते हो तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश हेल्प्स टू समराइज ऑल द की पॉइंट्स इनटू वन सिंगल टेम्पलेट. तो क्या है समराइज, यहाँ पे एक वर्ड आया समराइज. समराइज मतलब कि हम जो भी 4W स्टेटमेंट्स को जो भी हम समराइज कर रहे हैं, तो ये समराइजेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट. इसे ध्यान रखिएगा, 4W कैनवास जो होता है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट में कवर किया जाता है. इस चारों पॉइंट्स को कंसीडर करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंक्वायरी को सेटअप कर सकते हैं. तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कम टेम्पलेट्स में क्या होता है, आपको याद रखने वाली बात है कि समराइज ऑल द की पॉइंट्स इनटू वन सिंगल टेम्पलेट. ठीक है ना, 4W, हु व्हाट वेयर एंड व्हाई, इस किसमें कंसिडर किया जाता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट में. तो इस चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड सोर्सेज फॉर कलेक्टिंग डेटा. तो ये आपका अगर ऑप्शन सॉर्ट आउट मेथड से जाइए, नहीं पता है तो, नहीं तो आपका देखिए यहाँ सर्वे, वेब स्क्रैपिंग एंड API, ये तीन आपके ऑप्शंस करेक्ट हैं. अनाउंसमेंट को हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये रिलायबल सोर्स से हैं या नहीं है, रिलायबल क्योंकि अनाउंसमेंट कौन कर रहा है, रिलायबल सोर्स से हो रहा है या अनरिलायबल सोर्स से हो रहा है, तो ये भी एक देखने वाली बात है. ठीक है ना बेटा, तो इस वजह से हम यहाँ पे इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है ना, अनाउंसमेंट मेरा करेक्ट क्या हो जाएगा, अनाउंसमेंट को मैं कंसिडर नहीं कर रही. तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेटमेंट 1, द डेटा विच विद विच द मशीन कैन बी ट्रेंड इज द ट्रेनिंग डेटा. यहाँ पे ये भी गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए. तो यहाँ टेस्टिंग लिखा है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. एंड स्टेटमेंट 2 को, द डेटा विद विच द मॉडल इज इवेलुएटेड इज द टेस्टिंग डेटा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. यहाँ पे क्या किया है आपको, क्रॉस कर दिया, मतलब यहाँ टेस्टिंग यहाँ होना चाहिए था, ट्रेनिंग यहाँ होना चाहिए, आपके नॉलेज को चेक करने के लिए दिया है इसने. तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. क्लियर.
क्वेश्चन नंबर 23 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन अ सिस्टम मैप। सिस्टम मैप में आप ध्यान रखिएगा कि जो भी एलिमेंट्स होता है उसको हम सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स को एरो लाइन के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है। सर्कल एंड एरो लाइन, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ना कि आप स्क्वायर मत कर दीजिएगा और ना ही डॉटेड लाइन कीजिएगा। रिलेशनशिप के लिए स्क्वायर नहीं कीजिएगा, एलिमेंट्स के लिए डॉटेड लाइन नहीं कीजिएगा, रिलेशनशिप के लिए करना क्या है आपको? क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो सर्कल्स बनेगा एलिमेंट्स के लिए और उनके एलिमेंट्स के बीच में कनेक्शंस है, तो उसके लिए हम एरो लाइन को एरो लाइन से उसे दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये है आपका सिस्टम मैप। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 24 में डिस्कस कर रही हूँ, देखिए इधर क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन इन एआई। तो रूलर यहाँ पे क्या है, स्कैटर प्लॉट ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, बार चार्ट भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। रूलर आपका क्या हो जाएगा, आंसर। डेटा विजुअलाइजेशन प्रोसेस में यूज नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच में एक ही मेथड यूज किया जाता है और वो है आपका डिसीजन ट्री। क्वेश्चन नंबर 26 याद रखिएगा इसे, डिसीजन ट्री रूल बेस्ड अप्रोच का मेथड है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में इन रूल बेस्ड अप्रोच द रिलेशनशिप और पैटर्न्स इन डेटा आर डिफाइंड बाय द डेवलपर, करेक्ट है। डिसीजन ट्री लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन ट्री, ये भी करेक्ट है। पिक्सेलेटेड एक्टिविटीज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कंप्यूटर सी इमेज, प्रोसेस देम एंड क्लासीफाई देम, ये भी ट्रू है। तो इनकरेक्ट जो रह गया, बच गया, वही होगा इनकरेक्ट। अगर आप नहीं भी पढ़े तो आपको 3 डेट्स योर हैं कि ये ट्रू है, तो ये चौथा ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। और वैसे हम देख लेते हैं, इन इन लर्निंग बेस्ड अप्रोच द रिलेशनशिप और पैटर्न्स इन डेटा आर डिफाइंड बाय द डेवलपर, बिल्कुल गलत। तो ये क्या है आपका, ये इनकरेक्ट, ऐसे भी इनकरेक्ट है ये। कुछ कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आपका जो गिवन है वो दिया गया है कि जो भी है कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशंस में या बहुत सारे प्लास्टिक्स का यूज़ हो रहा है, तो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुँच रहा है। तो हम एक मेथड सॉल्यूशन निकाला गया बायोप्लास्टिक का। तो ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है? तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है ना, कि हम जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि उससे हमें प्रिजर्व करना है अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेचर को भी मैं प्रिजर्व करके हुए चलना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है, एयर पॉल्यूशंस एंड 7, ठीक है, ये क्वेश्चंस को आप रीड करेंगे तो इसके बाद जो आपका करेक्ट करेक्ट आंसर्स देखे दिखेगा वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। मैंने स्क्रीन को स्टैटिक किया है थोड़ी देर के लिए, तो आप इससे भी क्लियर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इतना लंबा क्वेश्चंस को रीड नहीं कर रही मैं, टाइम वेस्टेज होगा। आप बिल्कुल पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। 29 क्वेश्चन है, वाइल डिजाइनिंग अ सर्विलांस सिस्टम टू फॉर द प्रीमिसेस वेयर ए कॉस्टली डायमंड वाज टू बी केप्ड फॉर एग्जीबिशन, वी डू द फॉलोइंग टास्क, गेट फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द ऑथोराइज्ड पीपल, गेट फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द अनऑथोराइज्ड पीपल, गेट फोटोग्राफ ऑफ द प्रीमिसेस, गेट फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द विजिटर्स। तो ये हम ए बी सी डी में क्या ले रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं ऑथराइज्ड पीपल्स का, अनऑथोराइज्ड पीपल्स का, प्रीमिसेस का और जितने भी विजिटर्स हैं उन सब का हम डेटा को एक्वायर कर रहे हैं। तो ये कौन सा फेज हो जाएगा एआई प्रोजेक्ट साइकिल का, डेटा एक्विजिशन। क्लियर, यहाँ देखिए, मैच द फॉलोइंग चॉइस ऑफ ग्राफ फॉर द डेटा बिलो। चार्ट टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ओवर पास्ट 5 ईयर। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 साल के बच्चों का प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, पहले का क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, सॉरी ड्रॉ कर देती हूँ मैं, पहले का ये हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, पेंसिल कलर ब्लैक ले लेती हूँ, थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ
और पहले का क्या हो जाएगा, थर्ड चार्ट टू शो द टेम्परेचर ऑन ईच डे, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा को दिखा रहा है तो ये ऑप्शन ये आ जाएगा, और परसेंटेज ऑफ बोल रहा है तो परसेंटेज ये यहाँ यहाँ पे इससे सेल का यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। तो ठीक है, ये है क्वेश्चन, चार्ट चार्ट्स टू शो परसेंटेज ऑफ इच सेल ऑफ टिकट, ठीक है ना, परसेंटेज पूछ रहा है यहाँ, परसेंटेज ऑफ इच सेल, तो यहीं पे आंसर छुपा हुआ है। परसेंटेज ऑफ इच सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई चार्ट का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर था। इस तरीके से मतलब ऑप्शन सी का डायग्राम सेकंड नंबर वाला पाई चार्ट करेक्ट आंसर था, और ऑप्शंस आपका गिवन है सी नंबर पे, वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। एंड नाउ ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्कुल आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप समझ लो ब्रेन को एक्सरसाइज देने के लिए, थोड़ा ब्रेन पे जोर डालिए, कोई गेम्स को समझिए, क्वेश्चंस को समझिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते आए हैं एआई में। तो बस इसी डर को फियर को ख़त्म करने के लिए डिस्कस किया है कुछ क्वेश्चंस को, बाकी पैटर्न आपका बिल्कुल चेंज्ड होगा, उसमें 2 नंबर के भी क्वेश्चंस आएंगे, 4 नंबर वाले भी आएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए आपको सारे नोट्स को स्टडी आउट रीड आउट करना है, तो उसको भी बिल्कुल टच में रहिएगा, उसको भी आप ज़रूर से रिवाइज़ कीजिएगा, सिर्फ इस सैम्पल पेपर के बेस्ड पे मत रहिएगा आपका बिल्कुल। बस एक हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, पैटर्न आपका बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ और है ध्यान में रखिएगा कि रॉक पेपर सीजर डेटा साइंस बेस्ड एआई गेम है, मिस्ट्री एनिमल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग गेस्ट है गेम है, इमोजी स्कैवेंजर हंट कंप्यूटर विजन बेस्ड गेम है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो भी इस क्वेश्चंस को जीमेल है, ये एआई का एग्जांपल है, वेबसाइट यूज़ ऑफ दैट सिमुलेट्स द ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन, ये भी आपका एआई का एग्जांपल है, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ये भी एआई का एग्जांपल है, जो एआई का एग्जांपल नहीं है वो है आपका सोप डिस्पेंसर्स, ये IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 रिड्यूस होगा, ट्रंकेट होगा, और ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर विच इज गिवेन इन ऑप्शन ए। क्लियर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, चूज द एआई एप्लीकेशन एमंग द वंस गिवेन बिलो, तो जो भी ऑप्शंस गिवन था इस तरीके से हमने इसे सॉर्ट आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि हमारा आज डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है, वो यहाँ पे दिया है, वाटर अवेलेबिलिटी इज अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, तो वाटर की प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन से बात हो रही है, तो ये किस में आ जाएगा आपका, कौन सा SDG में, वाटर रिलेटेड वाला जो हमारा गोल था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने डिस्कस किया है, आई होप आपको थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आया ही होगा अपने प्रिपरेशन पे, बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी नोट्स है एक बार पेजेस पलट के देख लीजिए, बाकी आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा चला जाएगा, इस तरीके से प्रिपरेशन अगर आपका होगा तो निश्चित ही आप अच्छे स्कोर को प्राप्त करोगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड बाय बाय, गुड बाय, गुड नाइट।